आपको इस फ्रेश कमल एपिसोड में मेरा नाम है रिकी और आप देख रहे हैं नॉन टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों कि मैं गया था एक पान टीले में जहाँ पे मैंने ली 15 रुपए की मालबोरो लाइट और साथ ही दुकानदार के पास मुझे देने के लिए नहीं था 5 रुपए का छुट्टा। तो उसने मुझे पूछा एक सवाल, वो सवाल था कि भैया क्या आपकी जॉब लगी है। मैंने पूछा ये भाई कैसा सवाल है, तो उसने मुझे बताया कि आप पहले तो 2 रुपए की बीड़ी खरीदते थे लेकिन अभी आप मालबोरो लाइट खरीद रहे हो, ये नॉन फिल्टर धुएं से फिल्टर धुएं का ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो ये हमारी बकचोदी चल ही रही थी कि साथ ही उसने मुझे पूछ दिया एक सवाल जो कि था, भैया बात ये नहीं है कि आप सिगरेट खरीद सकते हो या नहीं, बात ये कि क्या आपकी सिगरेट खरीदने की, हाँ तो आपको कितनी सिगरेट चाहिए। तो मैं खरीदूंगा और आज मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले जानते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में, साथ ही हम जानते हैं इसकी कंटेंट्स क्या है। तो यहाँ पे पैकिंग आपको बहुत ही खूबसूरत मटेरियल देखने को मिलता है, जो मटेरियल है एक प्लास्टिक का, आई थिंक एक लो ग्रेड प्लास्टिक है। साथ ही में यहाँ पे लिखा है कुछ चित्र जो कि है ऑरेंज के और इसका नाम है फनफिश प्रोडक्ट। साथ ही आप देख सकते हैं ऑरेंज क्रीम, जहाँ पे क्रीम की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है लोगों ने। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। तो अगर हम लोग कंटेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें गेहूं का आटा यानी होल व्हीट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें ऑरेंज पल्प यानी ऑरेंज का जूस, संतरे का जूस भी नहीं है, बल्कि उसकी जगह इसमें ऐड किया गया है ऑरेंज जूस पाउडर। और इसका अगर परसेंटेज अगर आप देखते हो तो जो कि है 0.01%। तो आप ऐसा कह सकते हो इसकी रेलेवेंसी, परसेंट रेलेवेंसी उतनी है जितनी आज के दौर में मीडिया न्यूज चैनल्स की होती है। तो ये बात थी भैया इसकी लेबल्स की पैकेजिंग और इसके कंटेंट्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्राइस जो कि है 5 रुपए और इसकी देखते हैं एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट्स कोई भी खरीदते हो तो खरीदने के पहले या फिर अनबॉक्स करने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है वो है उसकी एक्सपायरी डेट। तो उसकी एक्सपायरी डेट हम लोग देखते थे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। तो आप देख सकते हो DDMMYY, ओके, तो ये है 2 मार्च 2020 का ये है प्रोडक्ट और इसकी ये एक्सपायर होने वाला है मेरे ख्याल से 6 महीने में, यानी कि अभी ये एक्सपायर हो गया है। तो हमें इसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमें इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करनी है तो हमें इसे खाकर हमें दिखाना पड़ेगा कि कैसा है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हाथ मम्मी के हाथों से मिल गया ये एक छुरी जैसे दिखने वाला ये एक औजार और आज हम लोग करेंगे इस औजार से हमारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाई मैंने इसके ऊपर रख दिया है हमारा प्रोडक्ट फनफिश और अब हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। परफेक्ट। तो इस प्रोडक्ट की होगी अनबॉक्सिंग, अभी हम करेंगे इसका टेस्ट और जानेंगे इसका रिव्यू। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है ललन जी, जो कि करेंगे इस प्रोडक्ट को टेस्ट और इसका बताएंगे हम लोग को रिव्यू। तो ललन जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में और प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है। अरे बढ़िया है। अरे भाई कौन सा फ्लेवर है भाई? ललन जी ये आता है ऑरेंज फ्लेवर में। ऑरेंज फ्लेवर कौन? केसर फ्लेवर नहीं है का? केसर फ्लेवर तो नहीं है ललन जी, लेकिन आप इसे विमल के साथ खा सकते हैं। विमल के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको इसका केसर फ्लेवर साथ में ऑरेंज का भी एक नया ट्विस्ट मिलेगा। ठीक है भाई, खा के डॉक्टर बता दे इसका रिव्यू कैसा है। तो ललन जी इसका करने वाले हैं रिव्यू और खाएंगे इस प्रोडक्ट को। तो देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा आता है। ललन जी बताइए हमारे दर्शकों को आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। क्रिस्पी और करारा इतना बढ़िया इसका टेस्ट आया है और इसका रिव्यू काफी अच्छा दिया ललन जी ने। और आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे ललन जी? बोलो डुबा केटरी। तो थैंक यू ललन जी। तो ये थे हमारे साथ में ललन जी और था हमारे आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि है फनफिश प्रोडक्ट। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल। टेक केयर।